ये सवाल हमसे बहुत लोग पूछते हैं कि ये तो संसद का काम है। मैंने कहा भाई मुझे नहीं पता था, आज आपने बताया तो मुझे पता चल गया। अरे मुझे भी पता है संसद का काम है, लेकिन जब मैंने आर्टिकल 35 को चैलेंज किया तब लोगों को पता चला कि आर्टिकल 35 नाम की कोई चीज भी है। जब मैंने शादी विवाह की उम्र समान करने के लिए PIL फाइल किया, लड़के लड़की की शादी की उम्र बनाओ, कोर्ट ने नोटिस इशू कर दिया, सरकार ने जया जेटली कमेटी बना दिया, जया जेटली कमेटी ने पूरा एग्जामिन किया, हमने रिसर्च करके बताया कि दुनिया के 125 देशों में शादी की उम्र बराबर चल रही है, हमारे यहाँ हिंदू की 18 साल और 21 साल है और मुस्लिम लड़कियों की शादी की उम्र मात्र 9 साल चल रही है, तब जाके हमारे 90% सांसदों को पता चला कि शादी की उम्र तो यहाँ 9 साल चल रही है। तो ये PIL, मैं संसद का काम छीनता नहीं हूँ, संसद को अपना संसद काम करना है, लेकिन सांसदों को जगाने के लिए कई बार करना पड़ता है, क्योंकि वो संविधान नहीं पढ़ रहे हैं। वो संविधान पढ़ लें तो हमें PIL फाइल करने की कोई जरूरत ही नहीं है। मैं तो कह रहा हूं कि संविधान, जैसे आपका टॉपिक है कि संविधान बदलने की जरूरत है, हाँ इस संविधान में बहुत सारी चीजें बदलाव करने की जरूरत है, लेकिन उससे पहले इस संविधान को 100% लागू करने की जरूरत है। यह संविधान का आर्टिकल 351 कहता है, यह सरकार की ड्यूटी है वो सुनिश्चित करे कि देश के सभी लोगों को हिंदी और संस्कृत लिखना पढ़ना बोलना आ जाए। अब ये 351 जब मैंने PIL फाइल किया, हालांकि कोर्ट ने बोला ये मेरा काम नहीं है, वही जवाब था जी। हमारी PIL की संख्या इसलिए बहुत ज्यादा है क्योंकि कई बार कोर्ट यही कहती है हमारा काम नहीं है, और हम यही कहलवाने के लिए जाते भी हैं कि हमारा काम नहीं है जी। लेकिन कम से कम इस पर चर्चा तो शुरू हुई। अभी मैंने PIL फाइल किया पिछले फर्स्ट वीक मार्च में कि भारत में एक रीनेमिंग कमीशन बनाया जाए, मतलब नामकरण आयोग, बड़ी इंपॉर्टेंट है। भारत का संविधान कहता है कि देश के नागरिकों को राइट टू डिग्निटी है, सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अधिकार है, राइट टू आइडेंटिटी है, राइट टू कल्चर है यानी अपनी संस्कृति को प्रोटेक्ट और प्रमोट करने का अधिकार है, राइट टू रिलीजन है अपनी धार्मिक मान्यताओं को पालन करने का अधिकार है, राइट टू नो है जानने का भी अधिकार है। मुर्शीद खान नाम का लुटेरा जाके कीर्तिश्वरी मंदिर को लूटा, तोड़ा, और कीर्तिश्वरी को तोड़ने के बाद उस जगह अपनी नेम प्लेट चिपका दिया, उसको बना दिया मुर्शिदाबाद। कीर्तिश्वरी मंदिर के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, हमारे 51 शक्तिपीठों में एक शक्तिपीठ है कीर्तिश्वरी, जहां माता का मुकुट गिरा था। अब जहां माता का मुकुट गिरा वो हमारा धार्मिक, हमारा सांस्कृतिक मामला है कि नहीं, हमारा धार्मिक मामला है कि नहीं, जोर से बोलिए। लेकिन हमें मंदिर तो फिर भी मिल गया लेकिन कीर्तिश्वरी स्थान नहीं मिला। तो समस्या ये हो रही है कि जिन स्थानों का वर्णन बाइबिल में है वो नाम आज भी आप ढूंढेंगे तो आपको दुनिया में मिलेंगे, जिन स्थानों का वर्णन कुरान में है उनको आप जाके ढूंढेंगे तो दुनिया में मिलेंगे, लेकिन जिन स्थानों का वर्णन हमारे भगवद गीता में है, रामायण में है, रामचरितमानस में है, या वेद में है, या पुराण में है, उनको आप लेंस लगा के ढूंढेंगे तो भी नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि उनका नाम बदल गया। महाभारत में गजप्रस्थ का वर्णन है लेकिन आपको गजप्रस्थ नहीं मिलेगा, क्यों? ये तो गाजियाबाद बन गया। भगवान कृष्ण ने 5 गांव मांगे थे, उन 5 गांव को आप ढूंढिए नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि इंद्रप्रस्थ दिल्ली बन गया, तिलप्रस्थ फरीदाबाद बन गया, व्याघ्रप्रस्थ बागपत बन गया, सोनप्रस्थ सोनीपत बन गया, और आपका पानप्रस्थ पानीपत बन गया। तो हमारे ही बच्चों को यह सिखाया जा रहा है कि रामायण महाभारत एक कल्पना है, रामायण और महाभारत एक मिथ है, और हमारे बच्चे आज भी ये मानना शुरू कर दिए हैं कल्पना है मिथ है। क्यों? क्योंकि हमको राम, भगवान राम की जन्मभूमि तो पता चल गई, लेकिन लक्ष्मण जी ने कहां राज किया, लौकुश ने कहां राज किया, लक्ष्मण जी के बच्चों ने कहां राज किया, भरत जी के बच्चों ने कहां राज किया, इसी तरीके कृष्ण की हमें चलो जन्मभूमि पता चल गई मथुरा में है, हालांकि वो भी अभी कब्जे में है, अभी उसके छुड़ाने के लिए लड़ाई चल रही है, लेकिन भगवान कृष्ण की ससुराल कहां है हमें नहीं पता। स्थान है लेकिन वो चेंज हो गया। विंध्याचल हमारा शक्तिपीठ है, मिर्जा नाम का लुटेरा गया उसने विंध्याचल को मिर्जापुर बना दिया, जौना खान नाम का लुटेरा गया जमदग्निपुरम को जौनपुर बना दिया। विदेह राजा जनक को विदेह हम लोग कहते हैं, उन्होंने एक शहर बसाया, वो उसका नाम भी रखा विदेह। वहां पे मुजफ्फर खान नाम का लुटेरा गया उसने
विदेह को मुजफ्फरपुर बना दिया जो बिहार में है। आपको महाभारत में जिक्र आया होगा कि पांडवों ने एक साल का अज्ञातवास किया था, वनवास के बाद अज्ञातवास। उस अज्ञातवास में वो विराट में रुके थे, आपको याद होगा विराट में। उस विराट को होशियार खान नाम के लुटेरे ने होशियारपुर बना दिया। इसी तरीके से फरीद खान नाम के लुटेरे ने तिलप्रस्थ को फरीदाबाद बना दिया। अजात शत्रु नगर को बेगू खान ने बेगूसराय बना दिया। शरीफुद्दीन ने बिहार को बिहार शरीफ को, नालंदा को बिहार शरीफ बना दिया। दरभंग खान नाम का एक लुटेरा था जिसने द्वारबंगा को दरभंगा बना दिया। हाजी शमसुद्दीन ने हरपुर को हाजीपुर बना दिया। जमाल खान ने सिंहजानी को जमालपुर बना दिया। अहमद शाह ने कर्णावती को अहमदाबाद बना दिया। बुरहान ने भृगुपुर को बुरहानपुर बना दिया गया। होसंग शाह ने नर्मदापुरम को होशंगाबाद बना दिया। अहमद शाह ने अंबिकापुर को अहमदनगर बना दिया। तुगलक ने देवगिरी को तुगलकाबाद बना दिया। उस्मान अली ने धारासी को उस्मानाबाद बना दिया। फरीद खान ने मोकलहार को फरीदकोट बना दिया। फरूख खान ने पांचाल हम किसको कहते हैं, पांचाली, द्रौपदी को। द्रौपदी जहां पैदा हुई उसको पांचाल, उस राज्य को पांचाल कहते थे। उस पांचाल को फरूख खान नाम के लुटेरे ने फरुखाबाद बना दिया। अब पांचाल आप ढूंढेंगे आपको नहीं मिलेगा, वो तो फरुखाबाद बन चुका है। तो हमारे बच्चों को अभी भी पढ़ाया जा रहा है, 50 साल के बाद तो 100% पढ़ाया जाएगा, क्या बात कर रहे हैं, पांचाली पांचाली करते हो, कहां पांचाली पैदा हुई बताओ, तो जगह ही नहीं हो। तो इसलिए कह रहा हूं फरुखाबाद को पांचाल बनाना जरूरी है। बस मैं कंप्लीट कर रहा हूं। मुराद खान ने राम गंगानगर को मुरादाबाद बना दिया। मुजफ्फर खान ने लक्ष्मी नगर को मुजफ्फरनगर बना दिया। शाहजहां ने गोमती नगर को शाहजहांपुर बना दिया। बख्तियार खिलजी ने नालंदा को बख्तियारपुर बना दिया। करीमुद्दीन ने करीम नगर बना दिया। महबूब खान ने महबूब नगर बना दिया। अली मीर जाफर ने अलीपुर बना दिया। भाग्यनगर को हैदराबाद बना दिया। इंदूर को निजामाबाद बना दिया। भिटौरा का फतेहपुर बना दिया। हरिगढ़ को अलीगढ़ बना दिया। अंबिकानगर को अमरोहा बना दिया। आर्यमगढ़ को आजमगढ़ बना दिया। जसनौल को बाराबंकी बना दिया। गाजीपुर को गाजीपुर बना दिया। मेरा ये कहना है जिन लुटेरों ने हमारे पूर्वजों की हत्या किया, जिन लुटेरों के कारण हमारी माताओं ने आग में कूद के जौहर किया, जिन लुटेरों के कारण हमारी बहुत सारी माताएं कुएं में कूद गई अपनी इज्जत बचाने के खातिर, जिन लुटेरे ने हमारे छोटे छोटे भाइयों को, हमारे पूर्वजों को दीवाल में दफना दिया गया, टुकड़े टुकड़े कर दिए, उन लुटेरों के नाम पे सड़क मोहल्ले गलियां होनी चाहिए क्या? जरा जोर से बोलिए। और सबसे खास बात ये, दिल्ली इंडिया गेट का सर्किल घूम के आइए, बाबर रोड, हुमायूं रोड, तुगलक रोड, गजनी रोड, गोरी रोड, सहसा रोड सब मिलेगी। और पता है उस जितनी सड़कें हैं उनको उन लुटेरों ने नहीं बनाया था, उन सारी सड़कों को या तो मुगलों ने बनाया, अंग्रेजों ने बनाया, या तो बाद वाले अंग्रेजों ने बनाया, आजादी के बाद वालों ने। मैं अपनी बात कंप्लीट कर रहा हूं। न तो बाबर रोड को बाबर ने नहीं बनाया, हुमायूं रोड नहीं बनाया, शाहजहां ने शाहजहां रोड नहीं बनाया, कोई रोड नहीं बनाया। बनाया किसने? अंग्रेजों ने। बाद अंग्रेजों के बाद जो थोड़ी बची खुची थी बाद वाले अंग्रेजों ने, 1950 के बाद वालों ने। क्यों बनाया जानते हैं आप? इन्होंने, अंग्रेजों ने अपने नाम पे सड़क क्यों नहीं बनाई, मुगलों के नाम पे क्यों बनाई? क्योंकि उनको पता था आजादी के बाद इनको लड़ाने का बहुत बढ़िया तरीका है। आप समझिए जरा। और हमें आश्चर्य होता है, मैंने सुप्रीम कोर्ट में जो पीआईएल फाइल किया, मैंने उसमें कहा था कि जिनकी ड्यूटी है संविधान को अपहोल्ड करना, जिनकी ड्यूटी है संविधान के अनुसार कार्य करना, जिनकी ड्यूटी है भारतीय संस्कृति की रक्षा करना, भारतीय संस्कृति का प्रचार कर प्रसार करना, ऐसे सांसद, विधायक, मंत्री और जज तुगलक रोड, बाबर रोड, हुमायूं रोड, शाहजहां रोड पे रहते हैं। इससे बड़े शर्म की कोई बात नहीं है, इससे बड़े शर्म की कोई बात नहीं है। राहुल गांधी तुगलक रोड पे रहते हैं, आज तक शर्म नहीं आई उस बंदे को कि तुगलक रोड पे रहता हूं। मुझे समझ में नहीं आता ये सांसद विधायक अपना पता बताते हैं, बताते समय शर्माते भी है कि नहीं शर्माते हैं? अगर जिसको कहना पड़े मेरा पता घर का 14 बाबर रोड है, 13 हुमायूं रोड है, 11 तुगलक रोड है, लोधी रोड है, भगवान जाने इनको शर्म वरम आ रही है कि नहीं आ रही है। मुझे तो बहुत शर्म आती है। सर, दो प्रश्न उठते हैं इसमें। मैं आपकी बात से पूरा सहमत हूं कि नाम बदलने चाहिए, उन लुटेरों के नाम पे नहीं होने चाहिए। पर सर बात यह आती है कि समाज में
क्या वही चेतना है जो आपके अंदर इस पर जागृत है? आप जानते हैं कि फरीदाबाद तिलप्रस्थ था, फरीदाबाद के लोग नहीं जानते। मैं रोडों को छोड़ता हूं, क्योंकि रोड किसी की आइडेंटिटी नहीं होती, एक शहर लोगों की आइडेंटिटी होती है। When I belong to गाजियाबाद, मैंने बचपन से ये सुना, मैं मानता हूं मैं गाजियाबादी हूं। मुझे किसी ने आके बताया, मैं गाजी के बारे में नहीं जानता हूं, आम जनता जागरूक नहीं है, मैं गाजी के बारे में नहीं जानता हूं, मैं नहीं जानता कि किसी लुटेरे ने गजप्रस्थ का नाम गाजियाबाद रखा है। फिर हम एक पिटीशन के द्वारा अगर एक सेंटर ऑफ पावर से वो पूरे देश में थोप दें कि जहां जहां नाम पौराणिक थे वहां वहां नाम बदल दिए जाए, और जबकि उसी शहर की जनता जागरूक नहीं है, उसी शहर की जनता नहीं जानती तिलप्रस्थ क्या है, गजप्रस्थ क्या है। सर मेरे दो प्रश्न है इसमें, एक तो ये कि ये एक एकेडमिक विषय है जहां पे हमें समाज में जागरूकता चलानी चाहिए, जैसे अयोध्या में जागरूकता थी क्योंकि वहां अयोध्या थी तो फैजाबाद का नाम बोलिए अयोध्या कर दिया गया, प्रयाग में जागरूकता थी बाकी शहरों में नहीं है, अगर इम्प्लीमेंट कर दी तो क्या ठीक है? मैं आपको जवाब देता हूं, वही व्यक्ति जब ट्रेन में चलता अलग बिहेवियर करता है, मेट्रो में चलता अलग बिहेवियर करता है, एयरपोर्ट पर चलता अलग बिहेवियर करता है, उसको कोई ट्रेनिंग नहीं देनी होती है, कोई ट्रेनिंग नहीं देनी होती है, बिहेवियर अलग होता है। दूसरा, 1400 साल में इस्लाम 57 देशों में फैल गया, क्या आपको लगता है इस्लाम इतना अच्छा इसलिए फैल गया? जोर से बोलिए जरा। 2000 साल में क्रिश्चियनिटी 85 देशों में फैल गई, क्या आपको लगता है क्रिश्चियनिटी इतनी अच्छी है? अरे, और वसुधैव कुटुंबकम, सबका साथ सबका विकास, नारी तू नारायणी, सर्वधर्म संभाव, इस थीम पे चलने वाला सनातन धर्म दुनिया से ही नहीं भारत के 9 राज्यों में खत्म हो गया। इसलिए मेरा मानना है धर्म के प्रचार की ड्यूटी समाज के साथ साथ शासक की होती है। इस्लाम अगर 57 देशों में फैला है तो केवल समाज के कारण नहीं, शासकों के कारण। अगर क्रिश्चियनिटी 85 देशों में फैली है तो समाज के कारण नहीं, शासकों के कारण। इसलिए मेरा यह मानना है। और भारत में स्थिति क्या हो चुकी है, मेरी एक पीआईएल चल रही माइनॉरिटी के ऊपर, आप जरा सोचिए कितना बड़ा खेल हो रहा है। माइनॉरिटी कौन है नहीं पता, माइनॉरिटी क्या डिफिनेशन है कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ है, 1% वाला माइनॉरिटी 2% वाला माइनॉरिटी नहीं पता। 1992 में माइनॉरिटी कमीशन एक्ट बना, मैंने उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है। 2004 में माइनॉरिटी एजुकेशन एक्ट बना, मैंने उसको भी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है। 2006 में माइनॉरिटी फिर मिस्ट्री बन गई, उसके पहले तक भारत में माइनॉरिटी फिर मिस्ट्री नहीं थी। इस गंदे खेल के कारण भारत में कन्वर्जन हो रहा है। गुरुदेव आप इसको समझे, कन्वर्जन का खेल कैसे चल रहा है। आप लोग टैक्स देते हैं, सब लोग इसमें बहुत सारे लोग टैक्स पेयर बैठे हुए देते होंगे, आपके टैक्स पेयर से, आपके दिए हुए टैक्स से माइनॉरिटी स्कीम चल रही है। अब माइनॉरिटी स्कीम क्या हुई, एक बगल में घर हिंदू का है, एक बगल में घर मुस्लिम का है, एक बगल में घर क्रिश्चियन का है, तीनों की स्थिति एक है, तीनों गरीब है एक जैसी, मतलब पंडित जी भी गरीब, बगल के मुल्ला जी भी गरीब, बगल के पादरी जी भी गरीब, तीनों गरीब है। मुल्ला जी का लड़का स्कूल में जाएगा उसको 1000 रुपये महीने मिलेगा, पादरी जी का लड़का जाएगा उसको भी 1000 रुपये महीने मिलेगा, पंडित जी के लड़के को कुछ नहीं मिलेगा। वो गरीब पंडित जी क्या करे, मजबूरी में वो भी कह रहा है अपने रिलीजन वाले कालम में कि मैं भी क्रिश्चियन हूं या मुस्लिम हूं। भारत के कई राज्यों में स्टेट स्पॉन्सर्ड माइनॉरिटी स्कीम, यहां ध्यान रखिए, जहां पे माइनॉरिटी स्कीम जितनी ज्यादा है वहां पे उतना ज्यादा कन्वर्जन हो रहा है। पैसे के लालच में गरीब हिंदू अपने रिलीजन वाले कालम में बकायदा वो लिखवा देते हैं। इसी तरीके से बहुत सारी स्कूल खोलने पे भी फायदा आ रहा है। अभी फतेहपुर का एक केस आया, ठाकुर साहब छत्री, उनको स्कूल खोलना था, चूंकि माइनॉरिटी के नाम पर अगर स्कूल खोलेंगे तो बहुत सारी चीजों से उनको प्रोसेस से छुटकारा मिल जाएगा, वो बौद्ध बन गए, सोचे ही मुस्लिम बनूंगा शादी विवाह रुक जाएगा, क्रिश्चियन बनूंगा शादी विवाह, उन्होंने नया रास्ता निकाला, दिमाग लगाया, बौद्ध बन गए, माइनॉरिटी में आ गए, अपना स्कूल खोल लिया। इसलिए मैं कह रहा हूं भारत में माइनॉरिटी मेजॉरिटी खत्म होनी चाहिए, यह हमारे लिए जहर के समान है, पॉइजन घोल रहा है, समाज को केवल बांट नहीं रहा है बल्कि भारत में कन्वर्जन का बहुत बड़ा माध्यम बन गया है। तो
कि हम जब मैं पूरा सहमत हूं कि गाजियाबाद का नाम वही होना चाहिए जो सनातन काल में था, क्योंकि वह हमारी एक्चुअल आइडेंटिटी है। समाज में जागरूकता फैलाने के बाद हमें वही करना चाहिए। बट सर, हम पॉपुलर वॉइस को लेंगे या फिर वो एंशियंट या पौराणिक, क्योंकि आप जैसे कहते हैं गजप्रस्थ था गाजियाबाद का नाम, पर जो उत्तर प्रदेश से राज्यसभा एमपी हैं उन्होंने भी डिमांड भेजी है कि गाजियाबाद का नाम अग्रसेन नगर हो जाए, तो हम इसमें नहीं नहीं बहुत अच्छा, हाँ बहुत अच्छा। देखिए क्या हो रहा है, पॉलिटिकल पार्टियां दो चीजों के लिए काम करती हैं, या तो वोट के लिए या तो नोट के लिए, जोर से बोलिए, या तो वोट के लिए या तो तीसरा कोई काम नहीं करती। मैं रीनेमिंग कमीशन क्यों कह रहा हूं, मायावती ने भी बहुत सारे स्थानों का नाम बदला, लेकिन उन्होंने क्या बदला, पॉलिटिकली पॉलिटिकल हिसाब से बदला, ज्योतिबा फुले नगर किया, ये किया, फला किया, फला किया। भैया उससे हमारा जो धर्म ग्रंथ है उसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो रही है ना, इसलिए मैं कह रहा हूं एक रीनेमिंग कमीशन बने, हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजेस हों, उसमें धर्म गुरु हों, हिस्टोरियन हों, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के लोग हों, अलग अलग तरीके सब एक्सपर्ट हों, 10 आदमी 15 आदमी हों, वो हमको ढूंढ के, मैं तो कहता हूं बाकी सब ठीक है, बाबर हुमायूं ने बसाया बसा समझ में आता है, हमको केवल वेद पुराण गीता रामायण महाभारत में जिन स्थानों का वर्णन है उन स्थानों को आप फिर से बहाल कर दो। विंध्याचल को आप मिर्जापुर को विंध्याचल बना दो, मुर्शिदाबाद को कीर्तेश्वरी बना दो, गाजियाबाद को गजप्रस्थ बना दो, बाकी आपको जो और नगर बनाने हैं वो नए नए जगह पे बनाओ ना, और नगर बनाओ। लेकिन जो तिलप्रस्थ का वर्णन है वो तिल, फरीदाबाद का नाम अगर आपने कुछ और रख दिया, राम कुमार श्याम कुमार या कुछ और नगर रख दिया, तो कोई फायदा नहीं हुआ, वो तो तिलप्रस्थ होगा तभी तो हमारा उसमें कोरिलेशन बनेगा हमारे महाभारत के साथ।